Hello, friends, welcome to my channel once again. In the previous section, we were talking about the Jiren part 1 form, right? Part 1, and uh, today I'll be talking about the part 2. In the part 1 section, we had covered 40 words after which we have to use the Jiren, but in today's section, I'll be talking about 19 more words after which we will use the Jiren. नाइनटीन और वर्ड्स हम लोग सीखेंगे जिसके बाद हमें जरण यूज़ करना है वो फोर्टी वर्ड्स तो हैं ही साथ में तो उनको आप लोगों ने याद कर लिया होगा आई होप ओके और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं वो नाइन्टीन वर्ड्स जानने के लिए और इनके बाद फिफ्टी नाइन इन फिफ्टी नाइन वर्ड्स के बाद और कोई वर्ड मिलने वाला नहीं है जिसके बाद आपको जरण लगाना है तो ये अगर याद हो गए तो मार्क्स एकदम पक्के हो जाएंगे ओके सो लेट्स सी द वर्ड्स Uh, ये एलेवन वर्ड्स हैं जिसके बाद जिरन भी आ सकता है और इन्फिनेटिव भी आ सकता है तो हमें याद तो होना ही चाहिए राइट right? तो वर्ड है स्टार्ट मतलब शुरू करना बिगिन मतलब भी शुरू करना लाइक like पसंद करना लव uh, प्यार करना इंटेंट मतलब इरादा सीज मतलब रोकना स्टॉप स्टॉप का मतलब होता है बंद करना कंटिन्यू यहाँ पर स्टॉप का मतलब बंद करना ओके okay? कंटिन्यू मतलब जारी रखना हेट घृणा प्रिफर पसंद करना कांट बियर सहना पाना ओके okay? तो ट्रिक क्या है अगर आपने शुरू कर दिया है स्टार्ट कर दे बिगिन कर दिया है किसी को लाइक करना लव करना और आपका इरादा इंटेंट भी सही है तो खुद को रोकना मत सीज़ मतलब रोकना और किसी कहने पे बंद भी मत कर देना स्टॉप बंद कर देना कंटिन्यू रखना जारी रखना क्योंकि घृणा क्योंकि घृणा हेट को तुम पसंद नहीं करोगे और सह भी नहीं पाओगे ओके okay? अगर तुमने शुरू कर दिया है किसी को लाइक और लव करना और तुम्हारा इरादा भी सही है तो खुद को रोकना मत और किसी कहने पे बंद भी मत कर देना जारी रखना क्योंकि घृड़ा तुम पसंद नहीं करोगे और सह भी नहीं पाओगे तो ये सिंपल सी ट्रिक है ये इलेवन वर्ड्स याद करने की जिसके बाद जिरण भी, भी आ सकता है और इन्फिनेटिव भी आ सकता है क्लियर ओके नेक्स्ट एट वर्ड्स तो पाँच वर्ड्स की अलग ट्रिक है तीन वर्ड्स की अलग ट्रिक है तो ये जो फाइव वर्ड्स हैं रिकमेंड मतलब होता है सिफारिश करना Allow, परमिट मतलब आज्ञा देना एडवाइज़ मतलब एडवाइज मतलब सलाह देना और forbid मतलब मना करना तो ये जो पांच वर्ड्स हैं इसके लिए ट्रिक है रैप ऑफ जिरन ओके रैप ऑफ हनी सिंह सुना होगा रैप ऑफ रफ्तार सुना होगा तो आज जिससे मार्क्स मिलेगा वो सुन लेते हैं रैप ऑफ जिरन रैप ऑफ जिरन याद हो चुका है ये चीज़ राइट तो इन सारे वर्ड्स के बाद भी हमें जिरन यूज़ करना है जस्ट रिमेंबर दिस थिंग ओके नेक्स्ट थ्री वर्ड्स आर रिमेंबर फॉरगेट एंड रिग्रेट ये जो तीन वर्ड्स हैं ना इसके बाद भी जिरण यूज़ होता है लेकिन यहाँ पे कंडीशन है यहाँ पे हम दो एक्शंस की बात करते हैं दो एक्शंस की बात करते हैं अगर रिमेंबर फॉरगेट और रिग्रेट सेंटेंस में ये सेंस शो कर रहा है कि ये बाद में हो रहा है ये चीज़ बाद में हो रहा है ओके सेकंड एक्शन का काम कर रहा है देन ओनली इसके बाद जो वर्ड आएगा वो जिरण में चेंज हो जाएगा और जीरण अगर ये तीनों सेकेंड एक्शन बाद में होने की बात हो रही है तो जिरण क्या सेंस देगा फर्स्ट एक्शन मतलब जो जिरण फॉर्म है वो पहले हो गया है सेंटेंस में काम और रिमेंबर फॉरगेट रिग्रेट ये बाद में हुए हैं तो ये तीन वर्ड्स हैं रिमेंबर फॉरगेट एंड रिग्रेट तो आज हम लोगों ने कुछ नाइन्टीन वर्ड्स जो पढ़े हैं उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्टार्ट बिगिन लाइक लव इंटेंट सीज स्टॉप कंटिन्यू हेट प्रिफर कांट बिगर इसकी स्टोरी थी अगर आपने शुरुआत कर दी है लाइक uh, like करना लव करना और आपका इरादा भी सही है तो खुद को रोकना मत किसी कहने बंद मत करना कंटिन्यू रखना क्योंकि घृणा हेट पसंद नहीं करोगे और सह भी नहीं पाओगे ओके और ये आठ वर्ड्स हैं रिकमेंड मतलब सिफारिश करना अलाउ परमिट मतलब क्या होता है अलाउ एंड परमिट मतलब आज्ञा देना एडवाइस सलाह देना फॉरवर्ड मतलब मना करना तो रैप ऑफ जीरेंड और अदर थ्री वर्ड्स आर रिमेंबर फॉरगेट एंड रिग्रेट इसमें जो जो रिमेंबर फॉगेट और रिग्रेट है ये सेकेंड एक्शन का काम करेगा का, बाद में होने का सेंस देगा और इसके जस्ट बाद हमें जिरन यूज़ करना है क्लियर सो दीज वर द नाइनटीन वर्ड्स आई होप दैट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट थिंग इज़ इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव के साथ बहुत ही जल्द मैं पेश होने वाला हूँ विद द न्यू ट्रिक्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द थिंग्स विद द ट्रिक्स अदरवाइज कितनी सारी चीज़ें याद करोगे Right. So thank you very much, guys.